वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज करवा चौथ की हो रही है प्रिपरेशन, तो मैं जा रही हूँ मेहंदी लगवाने। और आज का मेरा ये है आउटफिट। तो इस सूट में ख़ास क्या है? इस सूट में ख़ास है इसका बैक, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स वाओ, जो इसका बैक मैंने बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, देखो इट्स वाओ। तो इस सूट की खास बात सिर्फ ये थी कि इसका डिज़ाइन, बैक का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी सुंदर है। इसका दुपट्टा भी बहुत ज़्यादा मल्टी कलर का है और बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रही हूँ मैं आज। तो हम जा रहे हैं करवा चौथ की प्रिपरेशन करने के लिए और शॉपिंग। तो कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को मेरा आउटफिट कैसा लगा। तो भाई देखते हैं क्या लाएंगे, कैसी मेहंदी लगेगी और क्या होगा। आई एम सो एक्साइटेड। बाय बाय। और अमन, अमन का और जा रहा है खर्चा। कैसे खुश हो अमन? किस चीज में खर्चा और लग रहा है आपका? हुआ अकेले अकेले खर्चा हो रहा है तो क्या फायदा उसमें? तो करवा चौथ तो गर्ल्स का होता है ना, लेडीज का मतलब जेंट्स का तो खर्चा ही होता है। ऑफ कोर्स ही बात है, कोई बात ना, कमरा जी रहने चाहिए। वो मैंने बेरा फिर भी ना रहने बेचारा अमर दोपहर में आज सो भी नहीं पाए बिकॉज ऑफ मी। और इब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए और मेहंदी लगवा दिया। और अमन पता नहीं ये कहते हैं गिफ्ट भी दिला के लाऊंगा। हाँ गिफ्ट दिला के लिए कह रहा हूँ, एक वॉशिंग मशीन ठीक है, एक गाड़ी, सब फेंक रहेगा इस, कुछ नहीं दिला रहे ये। तो जनता आपसे पूछना चाहती है, आपने अपनी वाइफ को करवा चौथ पे क्या गिफ्ट दिया? आ गया करवा चौथ जो दे दूँ, गली तो है एडवांस में भी दे सकते हैं। हाँ तो फिर मैं तो क्या दे दूँ? हाँ तो दो ना, ये पार्क वार्क नाम करवाऊंगा तेरे। मैं पार्कों का क्या करूँगी, मैं आने बेच लिए। हाँ। जब जरूरत हो रहने दो, ये देख लो गाइस गिफ्ट के नाम पे सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इंतजाम है। रोड तेरे नाम करवा रहा है, हम छोड़ छाड़ के सब कुछ इंतजाम है और ये बंदे मारतिया कुछ ना कर सकते। सारे हस्बैंड पता नहीं ऐसे क्यों होते हैं, पता नहीं मेरा ही ऐसा है या सभी के ऐसे हैं। क्या लगता है मन, सभी के होंगे ना? तेरा ही सा है। तो हम चले दोपहर में, कति करेक्ट 4 बज रहे हैं, 4 बजे हम घर से निकले थे। देखेंगे कितने बजे घर में घुसेंगे और पेट पूजा भी करके आऊँगी। वैसे तो मैं खाना खा के आई थी पर मैंने एक रोटी की जगह छोड़ दी थी, तो अमन मेरे को चट्ठे खिलाएंगे है ना अमन? खाने लायक रहोगे तभी तो खाओगे। क्यों? खा के मेहंदी लगवाऊंगी ना, स्मार्टनेस, खा के मेहंदी लगवाऊंगी। पता चलेगा वहाँ जाके जब नंबर आएगा जब, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ है। बस पूछो यहाँ अगर नहीं हुआ ना कोई ना मिला तो मेरा आर्टिस्ट मेरे साथ है, मैं अमन तय लगवा लूँगी। हाँ मेरे को तो लगानी आती क्यों है। क्यों खाम खर्चा करवाया अपने हस्बैंड को, चल उल्टे। तो और भी तो कुछ काम करने के लिए आए हैं ना, वो करवा ले। मैं तो अपने दो काम बहुत जरूरी करने आया हूँ। वाइफ के लिए नहीं आए? एक रिसेंटली वाइफ के लिए नहीं आई, वो आया हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा 2 जरूरी काम है मेरे लिए फिलहाल। कौन कौन से? एक वॉशिंग मशीन और एक गाड़ी, क्योंकि हमारा जब मैं अपने घर से आ रही थी हमारा एक्सीडेंट हो गया था। तो उसमें अच्छी बात यह है कि हमें नहीं लगी लेकिन हमारी गाड़ी टूट गई। गलती हमारी भी नहीं थी, गलती थी पीछे वाले की। हुआ यूँ था कि हम चल रहे थे बातें करके आराम से मस्त, और आगे से अचानक तक गाय आ गया और हमने खड़े ब्रेक मारने पड़े, जिस कारण पीछे से गाड़ी हमारा ठोक दी और हमारी गाड़ी पीछे से डैमेज हो रही है, और वो भी मेरे साइड की। मतलब जितना भी खर्चा हुआ है ना अमन वाली बात तेरे साइड का ही हुआ है, तो तू ठीक करवा। अमन की तो भाई ये बात रह है, तो करवा देता ना ठीक। नहीं आज तक तो नहीं करवाया। हाँ, तो एक बात होती है ना कि भाई बैठते तो सभी हैं यहाँ पे, मम्मी भी, मोनू भी, पापा भी। तेरे साइड का डैमेज हुआ था ना वो पिछली बार भी। हाँ जो टायर वाला हुआ था वो। हाँ जब हम गुड़गांव उज्जैन से आ रहे थे, जब भी मेरे साइड का एक्सीडेंट हुआ था जब हम उज्जैन आए थे और गुड़गांव में हुआ था हमारा। और ईब हमारा हाल फिलहाल में जब मैं संडे ने आई थी तो हमारा जब हो गया एक्सीडेंट हो गया। रब्बा रब्बा, शुक्र है हमारा कुछ ना हुआ है ना। मैं
तो देखो भाई के ले आऊँगे, के शॉपिंग करेंगे करवा चौथ पर, कितनी भीड़ पाओगी, मेहंदी में क्या प्राइस होंगे, आज तो बस पूछो ही मना, प्राइस तो जितने मांगेंगे ना उतने देने पड़ेंगे, है ना मन? ना फ्री में भी लग जाएगी। फ्री में कौन लगवा रहा है, लगाओगे? बस कीप कीप का खर्चा होगा 10 रुपये। यार ये ऐसा हो ही नहीं सकता, हम चाहे कभी भी आले, दिन रात शाम सुबह, अरे हम ना जाम ना पावे, इसलिए हम जल्दी आए थे घर तक। मैं चल 4 बजे मन आए थे, 3 बजे थोड़ी देर रेस्ट करा, और इतने में 4 बज गए। फिर देखो ही हमने कितना टाइम लगेगा। तो हम आगे पहले अपनी गाड़ी का बम्पर लगवाती हैं। ये देखो जी मार्केट में आ गए हम, तो देखो मेरी गाड़ी का क्या रहेगा, क्योंकि इस साइड तक मेरी गाड़ी, हमारी गाड़ी ठूक गई थी। तो ये देखो जी हमारी गाड़ी इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी, ये तो ना घर पे अमन ने थोड़ी सी ठीक कर दी थी, लेकिन फिर ये बहुत ज़्यादा गंदी लगने लगी थी, नीचे की लाइट भी टूट गई थी। ये देखो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई था, बहुत बुरे वाला झटका लगा था हमें जब हमारी गाड़ी ठुकी थी। तो ये देखो कितना खर्चा हुआ। उसके बाद मैं आ गई थी पार्लर में, फिर मैंने यहाँ पे हेयर कट करवाया, और मेरे को बाल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, तो मैंने अपने बाल छोटे छोटे करवा लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से सोच रही थी मैं बाल कटवाने के, और मैंने कटवा लिया, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 5 बजे पहुँच गई थी, मगर यार मेरा नंबर आ गया, लेकिन उससे पहले आया ही ना। जो देखो रात भी हो गई थी, जब जाकर जब भी मेरा नंबर उस टाइम पर 6 बजे ना आया, मेरा 6:30 बजे जाकर मेरा नंबर आया, ये लेडीज समय से पहले थी ना, अभी उनका नंबर आया, उसके बाद मेरा नंबर आया, मैं यहाँ वेट कर रही थी क्योंकि अमन गए हुए थे अपनी गाड़ी ठीक करवा, और उसके बाद फाइनली मेरा नंबर आया 7 बजे। मैं 5 बजे के लिए बैठी थी और यहाँ पे आया 7 बजे मेरा नंबर आया। उसके बाद फिर मेरे हाथ पे, और मैंने इस बार पैरों पे भी मेहंदी लगवाई है, तो यहाँ पे हाथों पे लग चुकी थी, एक हाथ रह गया था, पैरों पे भी लग गई थी। उसके बाद फिर अमन आ गए थे, क्योंकि अमन का भी काम कंप्लीट हो गया था, फिर अमन मेरी चप्पल उठा के पूरे मार्केट में घूमने लग रहे थे, हाउ क्यूट। ये देखो मेरी प्यारी सी मेहंदी। फिर उसके बाद अमन घर पर, हम 4 बजे गए थे और 9:30 बजे आए। दूसरे हाथ के भी दिखाना, तो लाओ अमन रोटी, आज तो फायदा उठा ही सकूँ अमन का, कल तो भूखा रहना अमन के। अरे अमन आप ले गए अपना टूक, मेरा टूक पहला अपन ने सोचे पहला मैं खा लूँ फिर ना खुआऊंगा मैं, मूंग की रोटी खत्म। आज भी आई पियाड़ा मिर्ची आ गई, देखो ना देखो का हाउ क्यूट, ना कहूंगी तो फिर तुमके भी लाले हो जाएंगे आज। पर लेकिन अमन जल्दी जल्दी नहीं खिला रहे, पहले खुद खा रहे, फिर दही पी रहे, फिर मेरे को दे रहे, इतने में तो मैं भूखे मर जाऊंगी। बात ही अपने आप खा लेते हैं ठीक से, काम तो बढ़ती रह लें, इनके बात होगी रह लो जब मिर्ची को रहे रहे। आज पूरा VIP मिलर लग रहा है, मेहंदी लगवाते बहुत जोर तक भूख लग रही थी, फिर हमने रोल खाया, उसके बाद रोल तो मुँह जल गया, तो आइसक्रीम अमन फिर आइसक्रीम लेकर आई, फिर पेप्सी भी पी थी जब मैंने इधर मैंने इतना अमन ने पेप्सी भी पी थी मेरे पीठ पीछे। तो आज अमन ने ओवरऑल मेरी पसंद की मिठाई लेकर आए, मेरी पसंद का चटक खिलाए। हेलो जी, तो हमारा खाना हो चुका है, तो मैं अमन से ये कहने लगी थी अगर रंग नहीं आया ना मेहंदी का तो आपकी खैर नहीं। तो अमन कह रहे कि मैं तो पैसे पे करके आया हूँ मेहंदी का रंग नहीं आया तो उनकी गलती है ना कि मेरी, तो कमेंट करके बताओ किसकी गलती है अगर मेरी मेहंदी का रंग नहीं आया तो। इसका मतलब यही हो ना कि अमन प्यार नहीं करता, तो देखना मन।
तो अमन तो सोने की तैयारी कर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक रहे हैं हम दोनों, और कल का दिन तो है कल बाचो। आई एम सो एक्साइटेड, तो देखते हैं कल मेहंदी का रंग कैसा आएगा। बाय बाय सारा, गुड नाइट।